बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राशिद हमीद और इल्म नबतात के इस सिलसिले में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो पौधा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बागे जिना लाहौर का सबसे कदीम और यादगार पौधा है। गालिबन 1850 में 1850 सन ईस्वी में लगाया गया था। इस पर नस्बशुदा तख्ती के मुताबिक ये साइकस रैम्फाई है। इसका आबाई वतन जापानी जज़ायर है। ये भी दर्ज है कि इसको लगाने की वजह इसके दिल आवेज़ खूबसूरत पत्ते हैं। इस पौधे की एक दूसरे जाविये से भी तस्वीर मुलाहिदा करें। इस पौधे की आखिरी तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि इससे इसकी कई खसूसियात सामने आती हैं। पहली बात कि ये शाखदार पौधा नहीं है, यानी कि इसका एक ही ट्रंक होता है, एक ही ट्रंक या बोल होता है। पौधे का तना शाज़ो नादर ही एक से दो तनों में तकसीम होता है। पौधे का तना यानी कि ट्रंक शाज़ो नादर ही एक से दो तनों में तकसीम होता है। ऐसा भी पौधे के किसी हिस्से में टूट फूट की वजह से होता है। तस्वीर में एक ही पौधे के कई तने बन गए हैं, यानी कि मल्टीपल ट्रंक्स हैं। तीसरी बात कि ये दरासकत पौधा नहीं है। अगर कभी आप बागे चिना लाहौर जाएँ तो इसका मुशाहिदा करते वक्त इन नकात को जहन में रखिएगा। इस्लामाबाद के रोज़ एंड यास्मीन गार्डन में मैंने 2017 में साइकस रेवोल्यूटा के दो ऐसे पौधे देखे कि जिनकी चोटी दो हिस्सों में बट चुकी थी, यानी कि ट्रंक जो थी दो हिस्सों में बाइफरकेट हो चुकी थी। सबसे खूबसूरत बात इनका हम पहलू, यानी कि एडजेसेंट होना और हम शक्ल होना के आलमोस्ट आइडेंटिकल होना है। यकीनन ऐसा नज़ारा फन बागबानी ही का मरहून मिन्नत हो सकता है। यानी ऐसे दो अजूबे इकट्ठे लगा दिए जाएं, इनकी तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। अगर इस तस्वीर पर गौर करें तो ऐसा दिखाई देता है कि पहला पौधा एक मादा या फीमेल है। जी हाँ, बाज़ पौधों में नर फूल और मादा फूल, यानी कि मादा फूल पिस्टलेट फ्लावर्स जो है वो अलहदा पौधों पर बनते हैं। साइकस जीन्स में यानी जीनस में भी नर और मादा पौधे अलहदा अलहदा होते हैं। पहले पौधे पर मादा फूलों का गिरोह या ग्लोब बनना शुरू हो चुका है। इससे पता चलता है कि यह मादा पौधा है। अगर नर पौधा होता तो इस पर नर फूलों का मखरूत या कोन मौजूद होती। इन पिस्टलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स की तफसीलात जो हैं अगली किसी वीडियो में बयान होंगी। इनके करीब पिकनिक करने से पिकनिक का मज़ा दुबला हो गया था। चलें इस पौधे की तफसील जानते हैं। यह साइकस जीनस की एक दूसरी नौ है। जिस तरह शेर, तेंदुआ और चीता एक ही जीनस में शामिल होते हुए भी अलग अलग स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह ये साइकस जीन्स की या जीनस की एक अलग स्पीशीज़ है। इसका साइंसी नाम साइकस रेवोल्यूटा है। इसको उर्दू में कंघी पाम और अंग्रेज़ी में जैपनीज सेगो पाम कहते हैं। जैपनीज इसको सोतेत्सु के नाम से पुकारते हैं। इसका आबाई वतन भी जापानी जज़ायर ही हैं। साइकस रैम्फाई और साइकस रेवोल्यूटा दोनों खुले बीजों वाले पौधे हैं, यानी जिम्नोस्पर्म्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये खुले तुखम वाले पौधे हैं तो इनको पाम क्यों कहते हैं।
पाम तो यक डाला यानी के माना कॉटिलेटनस, बीच वाले पौधे होते हैं। पाम ऐसे दरख्त हैं कि जिनके पत्ते चौड़े लंबे और बेशाख होते हैं, मगर ये नारियल या खजूर के दरख्तों से मुमासलत या मुशाहबत की वजह से पाम कहलाते हैं। ये सदाबहार दरख्त अपने दिलकश बड़े पत्तों की वजह से सजावटी पौधे के तौर पर पसंद किए जाते हैं। इनके बड़े पत्तों को फॉलिएज लीव्स कहते हैं। इस वीडियो में हमने साइकस जीनस या जिन्स की दो स्पीशीज या नौ के मुतालिक कुछ दिलचस्प हकायक जान लिए हैं। अगली वीडियो में हम साइकस रेवोलुटा के उन पत्तों की तफसीलात जानेंगे जिनकी वजह से ये पार्क, लान, बाग, ख्याबान और चराहों की जीनत बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और पौधे की तफसीलात जानना चाहें तो मतला करें, इंशाअल्लाह ज़रूर तफसीलात मुहैया करूँगा। अगर इस वीडियो के बारे में सवालात हों तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।